सेक्स का विचार बार बार आ रहा है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। 14-15 साल में जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना चालू हो जाता है या उसके पहले बाद में जब शुरू होते हैं, उसके बाद में करीब करीब शादी होने तक, फिर 28, 30, 35 जो भी उम्र हो, ये जो है ये उम्र में, मतलब ये 15 साल का जो पीरियड रहता है उसमें सेक्स हॉर्मोन्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं। वो जो कुदरत, निसर्ग जो है, नेचर, वो चुप नहीं बैठने देता और काफ़ी सारी इच्छाएं होती है सेक्स करने की, सेक्स की भावना आती है, सेक्स की भूख लगती है, सेक्स के बारे में विचार आते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार विचार वही इतना विचार आता है कि उसमें थक जाते लोग। यदि लड़का या लड़की प्यार में, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और उसमें ऐसा डर लगता है कि टूट जाएगा, अपनी रिलेशनशिप टूट जाएंगी, या वो नकार दे रही है, उसने ना बोला है, तो फिर और ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ऐसे इसमें क्या करना चाहिए, या सेक्स के विचार आ रहे बार बार, हस्तमैथुन करने के विचार बार बार आ रहे, हस्तमैथुन करना चाहिए या सेक्स के विचार, तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें होता क्या है कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता व्यक्ति, कोई काम में ख्याल नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, नेचुरली प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और फिर उसको लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है। एक तो क्या होता है कि कुछ लोगों को अपराधीपन की भावना होती है, अपराध बोध होता है, कोई खुद से नफरत करना चालू कर देते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये पाप है, मैं बुरा हूँ, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। फिर बहुत ज़्यादा यदि सेक्स अंदर से ऐसा उफल रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि रिलेटिव्स के तरफ भी नज़र जाती है उसकी, तो उसमें फिर और अपराध बोध की भावना होती है। तो ऐसे इसमें क्या करना चाहिए? नंबर एक, ये जो है कि खुद को बिजी रखना है, अकेले नहीं रखना है, कुछ तो भी काम में बिजी रखना है, पढ़ाई करो, फिर खेल कूद में अपना समय दे सकते हैं, ये उम्र में खेल सकते हैं, गेम्स है, टीम के गेम्स है या अकेले गेम्स, मतलब जो इंडोर गेम्स है उसमें दोस्तों के साथ में चैटिंग कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ में चैटिंग कर सकते हैं, पिक्चर को जा सकते, मूवी देख सकते, टीवी पे मूवी देख सकते हैं। तो ऐसा अपने आप को बिजी रखना है, पॉर्न वीडियो देखने का नहीं है। पॉर्न वीडियो देखने से क्या होता है, और फिर भावना उफल आती है मन से, हमको लगता है कि नहीं नहीं मैं मेरे गर्लफ्रेंड से बात कर लूँ तो जरा शांत हो जाऊँगा। हाँ होता है, टेम्पररी शांत हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर और इच्छा होती है कि नहीं चैटिंग करूँ, बात करूँ उसके साथ में, उसका मैसेज नहीं आया, उसने तो मेरा मैसेज पढ़ लिया है, अभी नहीं आया उसका मैसेज, पढ़ने के बाद में भी उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर क्या कर रही होंगी, किसके साथ में बातचीत कर रही होंगी, मतलब ऐसे चालू हो जाता है कंटिन्यूसली और फिर ख्याल रहता नहीं। तो इसके लिए एक और एक है बहुत सिंपल आसान तरीका कि भाई मास्टरबेशन जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो आप मास्टरबेशन कर सकते हैं, और मास्टरबेशन से मतलब हैंड प्रैक्टिस से, हस्तमैथुन से दिमाग शांत हो भी जाता है, नींद भी अच्छी आती है, सेक्स के विचार काफ़ी कम हो जाते हैं और उसे अच्छा भी लगेगा। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो कर सकते हैं। और दूसरा मेडिटेशन है, सेल्फ हिप्नोसिस, तो जिसमें आप दिमाग को शांत रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो जो है वो ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स है, वो नेचुरल है, वो आ रहे हैं, इसका मतलब उसको दबाने का नहीं है, निकालने का नहीं है, जितनी निकालने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा होता है, वो नेचुरल आते हैं, आने दो, उसको बलि नहीं पड़ने का है, वो हो रहा है करके उसको निकालने की कोशिश नहीं करना है, उसके साथ में रहना है और वो नेचुरल है, ऐसा समझ के अपना जीवन जीने का है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत उसे लोग परेशान हैं। आप हमारे से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, जहां आप रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को रखते हैं, रिश्तेदारों के अलावा रखते हैं, मेंटल पेशेंट्स है, शराबी है या बहुत आक्रामक वायलेंट पेशेंट है, उनको रखते हैं और उनको बिना रिश्तेदार अकेले रख के उनका इलाज भी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।